दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। साथ में जो आउटसोर्सिंग भर्ती का जो है विज्ञापन जारी हो चुका है, यहाँ पर देख लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। मैंने आपको बताया था ये भर्ती का विज्ञापन, अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इसके अंतर्गत फॉर्म डाल सकते हैं। सैलरी कम नहीं है, 30,000 रुपये जो प्रतिमाह आपको सैलरी दी जाएगी, और यहाँ पे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को यहाँ पे जो 20,000 रुपये महा प्रतिमाह सैलरी में दी जाएगी। पदों की संख्या यहाँ पे 16 दे रखी है। यहाँ पर जो है ये बताऊँगा फॉर्म इसके अंदर कैसे आपको भरना है। आउटसोर्सिंग के द्वारा, यहाँ पर लिखा हुआ आउटसोर्सिंग के द्वारा जो है भर्ती की जानी है। तो जो है मैटर क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पर जो है ये यहाँ पर बताया गया, इसमें जो है के यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो गया, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हो गया, ये है ना। के पदों पर जो है मानव संसाधन आवेदन संबंधी सूचना, तो यहाँ पर आपका कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाराबंकी से आया है ये, ठीक है। कोई बात नहीं है, अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले तब भी इसके अंदर फॉर्म डाल सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार बाराबंकी में 16 पदों के लिए जो है 16 पद हेतु जो है मानव संसाधन की आपूर्ति आउटसोर्सिंग के द्वारा की जानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कंपनी का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर भर्ती निकाली गई, ठीक है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो है ये फॉर्म ये जो है भर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है फॉर्म कैसे भरना है, उसी तरीके से जैसा आप डेली भरते हैं। कहने मतलब क्या, सेवा योजना के कार्यालय के पोर्टल पर जाना है। अब इसका लिंक कहाँ से मिलेगा, sevayojana.up.nic.in पर जाके अला फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जो है अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते तब भी आप भर दीजिए, अगर बाराबंकी में नहीं रहते तब भी आप भर दीजिए। 30,000 रुपये है इसमें सैलरी यहाँ पर जो है ये, हाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे ये पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, बिना इसमें जो है इनमें इंटरव्यू नहीं, केवल इंटरव्यू होगा बस, केवल है ना, एग्जाम नहीं है इसमें जो है ये। मेरिट बेस पर सिलेक्शन कराया जाएगा इसमें, ये साफ लिखा हुआ है यहाँ पर जो है ये। और एक खबर और है, आपने देखा जनवरी 2024 का जो है सीटेट का जो है ये वो आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैं ही दे रहा हूँ, अभी देख लीजिए किसी यूट्यूबर ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि सीटेट का रिजल्ट आउट हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल अभी अभी आया है, ताज़ी खबर है यहाँ पर जो है ये। और इस चैनल के द्वारा जो हमेशा और हमेशा जो है ताज़ी खबर दी जाती है, बासी खबर कभी नहीं इसमें जो है दी जाती है। तो जाके जो है रोल नंबर डाल के जो है डायरेक्ट आप देख लीजिए यहाँ पर जो है ये रोल नंबर, केवल यहाँ पर कैप्चर कोड भी नहीं है, केवल रोल नंबर डालेंगे और क्लिक करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट आपका रिजल्ट यहाँ पर खुल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे आरओ और एआरओ की, तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे जो है जब एग्ज़ाम आउट हुआ था सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी अपने चैनल के माध्यम से। तो हमने जो है इन्फॉर्मेशन शुरू में दिया था यहाँ पर जो है ये, बाद में और चैनल वालों ने जो है इन्फॉर्मेशन दिया था, आप देख लीजिए। लोक सेवा आयोग पर जो धरना प्रदर्शन जबरदस्त हुआ था आज यहाँ पर, पेपर जब लीक हो गया तो सीधी सी बात क्या आउट हो चुका है, तो अब दोबारा एग्जाम कराने की डिमांड को लेकर जो है ये लोक सेवा आयोग के कार्यालय पर गए। कहने मतलब लोक सेवा आयोग का जो है आयोग है वहाँ पर गए थे। और यहाँ पर कुछ तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है लड़का लड़की हैं, है ना, यहाँ सभी स्टूडेंट गए थे, मेल फीमेल सभी गए थे। ऐसा नहीं है केवल मेल मेल गए हों, फीमेल भी गई थी, ऐसी बात नहीं कि एग्जाम आउट हुआ तो दोबारा होना चाहिए। और वही चीज़ यहाँ पे जो सभी अब तो अखबार के द्वारा भी साथ में जो है सोशल मीडिया पर जी और न्यूज़ चैनल वाले भी दिखाना शुरू कर दिए हैं ना। शुरू में इन्फॉर्मेशन हमने दिखाया तो सब कह रहे हैं कि पता नहीं फेक न्यूज़ देता है ये है वो, आप देख लीजिए, अब अपनी आँखें फाड़ कर देख लीजिए। यहाँ पर सब लोग यहाँ पर बैठे हुए, इसीलिए बैठे हुए आर ओ के एग्ज़ाम को दोबारा कराने के लिए। अब जो है यहाँ पर देख लीजिए इलेक्शन सर पे है, तो यहाँ पर देख लीजिए 300 यूनिट जो है मुफ्त बिजली यहाँ पर जलाई जाएगी, ठीक है, जला सकते हैं। यहाँ पर जो है बोल दिया गया, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारा इलेक्शन है उसको देखते हो 300 यूनिट जो है बिजली आपने फ्री यहाँ पर करने के लिए यहाँ बोल दिया गया है। और यहाँ पर जो है इस तरीके से आप ये जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर जो है यहाँ पर घर मुफ्त बिजली योजना है, यहाँ पर पूरा पूरा ये दे दिया गया है। और इस वाली भर्ती के बारे में दोपहर के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, प्लीज़ वो दोपहर का वीडियो देख लीजिएगा। मेरी यार एक बात समझ में नहीं आ रही, जब सोनभद्र से भर्ती जब आई थी 18 अक्टूबर 2023 डेट देख लीजिएगा, फिर इसका विज्ञापन जारी कर दिया। एक बात बताइएगा, जब कैंडिडेट इनको नहीं मिल रहे हैं तो ये द्वारा द्वारा विज्ञापन जारी कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, देख लीजिए, प्योन भर्ती है एडेड कॉलेज के अंतर्गत आपका जो है भर्ती निकाली गई, जिसकी अंतिम तिथि आपका 18 अक्टूबर 2023 थी। और यहाँ पर देख लीजिए, अभी बताऊँगा सोन, और जो है जिले का नाम भी यहाँ पे जो है वो देख लीजिए, यहाँ पे सोनभद्र बताया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर जो डेट जो है ये सोनभद्र की तरफ से जो है 13 फरवरी 2024 का जो है एक इसका जो 13 फरवरी वो था आपका 18 अक्टूबर 2023, और ये 13 फरवरी 2024 को विज्ञापन निकाला गया। कहाँ निकाला गया, ये जो है आपका जनपद सोनभद्र से आया था, और इसमें जो है फॉर्म चल चुके हैं, इसकी जो है
मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है, मेरिट लिस्ट यहाँ पे जो है इसकी आउट हो चुकी है। तो मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे देख लीजिए 11,000 रुपये इसमें सैलरी आपको दी जाएगी। तो इसमें जो है ये, तो यहाँ पर जो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन ये है, आप कैटेगरी आपका जेंडर नेम वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। तो पूरा लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर धीरे धीरे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो जो है फार्म नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो है ये आपको नंबर दिखाई देगी दिए हुए होंगे, तो ये नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है ये। तो पूरा लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, नेहा शर्मा हो गया, स्वीटी हो गया, है ना, इसके बाद ये सब नाम यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, ठीक। अशोक यादव भी यहाँ पे देख लीजिए, ये है अशोक यादव है, ये मेल है ये, इसके बाद इंद्रेश कुमार मेल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा लिस्ट देख लीजिए, वो फार्म संख्या थी उसको दिखाना वो नहीं है इतना, जो है यहाँ पे देख लीजिए अशोक यादव यहाँ पे इस पूरा नाम दिया, अर्चना कुमारी है, इसके बाद यहाँ पर वो है, इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर जो है ये इसका सूरज गुप्ता हो गया, यहाँ पर जो है ये पूरा नाम यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। पूरा नाम यहाँ पे जो है आप देख लीजिए, यहाँ पर पूरा नाम यहाँ पर बता दिया गया है। प्लीज़ अगर आपने फॉर्म भरा है, ये दूसरी बार फॉर्म निकला, दूसरा आगे फॉर्म आया ये जो है, अगर आपने फॉर्म भरा तो प्लीज़ यहाँ पर बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है ये नाम यहाँ पे जो है वो दे दिया गया, पूरा नाम यहाँ पे जो है वो दिया गया है, यहाँ पर भी देख लीजिएगा पूरा नाम यहाँ पे जो है ये दे दिया गया, ठीक है। एक बार को यहाँ पे कम देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये, तो जो है पूरा लिस्ट यहाँ पे उठा के आप ये देख लीजिएगा। तो मैं आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि आपका शिक्षा से बच्चा नया नया वाला जो है इसी माह जो है बिल्कुल गठन हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया गया है। और यहाँ पे जो है बताया अध्यक्ष महोदय जी, और यहाँ पे जो है सदस्यों का चयन हो जाएगा, और इसके बाद काम शुरू हो जाएगा, जितने भी एग्ज़ाम अटके पड़े हैं, और आपका इंटर कॉलेज का जो क्लर्क है वो एग्ज़ाम इसी के चक्कर में जो आपको हुआ था, और इसके में आपका इंटरव्यू रह गया है, और साथ में जो टाइपिंग टेस्ट रह गया बहुत जल्द कराया जाएगा, क्योंकि अभी आयोग के द्वारा ही अटका हुआ था। यहाँ पर जो आयोग जब तक नहीं बनने, क्योंकि जब टीचर की भर्ती आयोग से हो रही है, टीजीडी पीजीडी भर्ती हो रही है, तो साथ में क्लर्क भर्ती भी आयोग से, क्योंकि ये शिक्षा सेवा चयन आयोग इसलिए बनाया गया क्योंकि साथ में एडेड कॉलेज के अंतर्गत एक बस वो टीचर भर्ती कर रहा है ना, तो आयोग कर रहेगा उसी तरीके से आपका क्लर्क भर्ती भी है, तो है ना। तो कुछ कारण से जो है कुछ जो है इसमें जो है विविधिक अड़चनें हैं उनको पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लीजिएगा, ये जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है, साथ में एडेड कॉलेज के अंदर चपरासी भर्ती की जो 4 महीने हो गए पर अभी तक सैलरी नहीं आया। एक बार बताइएगा बेचारा, है ना, आप कम से कम कुछ लड़के 10,000-20,000 रुपये दे के भी लगे होंगे, ऐसी बात नहीं है। कोई लड़के कमेंट करते हैं कि सर हमने इतना रुपया दिया है, मैंने उनसे शुरू में कहा था प्लीज़ इस तरीके आउटसोर्सिंग भर्ती में कोई भरोसा नहीं है, 4 महीने हो गए भाई को अभी सैलरी नहीं मिला है तो परेशान है। तो मैंने उनको बताया था डीओ के दफ्तर में जाइएगा, वहाँ जाके कंप्लेंट कीजिएगा, सैलरी आपको 100% मिलेगी, क्योंकि आप सरकारी आप इंटर कॉलेज में लगे हुए हैं, ठीक है, वहाँ की सैलरी वगैरह सब चीज़ मिलेगा, पर आउटसोर्सिंग वाली कंपनी में बाद में इनको मिलता है ना। तो वही चीज़ में बतानी थी, अगर चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।